स्वागत है सभी का चैनल पर एक बार फिर से। उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी की तरफ से यहां पर आपके मेरिट बेस्ड सिलेक्शन होने जा रहे हैं, जिसके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए हैं। कब तक आपके लास्ट रजिस्ट्रेशन रहने वाले हैं तो ये वाला वीडियो फुल वॉच कर लीजिएगा। अब देखिए, काफ़ी ज़्यादा मिस्टेक आप कर देते हैं तो आपके फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट हैं वो मिस्टेक करते हैं, तो चलिए उन मिस्टेक के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। फॉर्म भरते समय आपको ये गलतियाँ नहीं करनी है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, आपका ये ऑफिशियल वेबसाइट पर आपका ये तो मैंने स्क्रीनशॉट ले रखा है, तो ये आपका इन्फॉर्मेशन गाइडलाइन है जिसमें आपको यहाँ पर बता दे रखा है कि आपका जो ये नोट है तो इसको ध्यान से समझिएगा। यदि कोई अभ्यर्थी अपने आवेदन पत्र में गलत सूचना देता है तो उसका आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आप एक चीज़ क्लियर कर लीजिए कि आप अगर गलती कर रहे हैं, कोई भी मिस्टेक आपसे हुई है, तो यहाँ पर दोबारा से कोई भी करेक्शन डेट नहीं आती है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। करेक्शन फॉर्म नहीं आएगा, दोबारा से कोई करेक्शन नहीं होता है, तो इसी के कंपेरिजन में ये फॉर्म रिजेक्ट हो जाते हैं। देन उसके बाद में काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट हैं वो खुद से फॉर्म अप्लाई करने की कोशिश करते हैं, तो वे स्टूडेंट अगर आप अच्छी तरीके से जानते हैं और आपको फुल नॉलेज है तो आप भर सकते हैं फॉर्म, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मिस्टेक किसी में भी नहीं करना है। और ध्यान रखें, जब आप कभी भी फॉर्म भर रहे हो तो उसके लिए आपको स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ को फिलअप करते रहना है, और कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक होने पर भी आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर एक भी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, अगर एस की जगह ई भी लिख दिया तो भी आपका फॉर्म रिजेक्ट होने के पूरे चांसेस हैं, आप ध्यान रखिए। क्योंकि वेरिफिकेशन जब आपका होता है, ठीक है, जब आपका वेरिफिकेशन होगा और कोई भी चीज़ आपकी मैच नहीं होगी तो आपके फॉर्म तुरंत ही रिजेक्शन में चले जाएंगे और आपका फॉर्म अप्लाई आप नहीं कर पाएंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर दूसरा पॉइंट ये आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, अभ्यर्थी अपना सही विवरण सही सही भरें, ठीक है। आपका यहाँ पर कोई भी जो करेक्शन डेट है वो नहीं आता है, यहाँ पर साफ मना कर दिया है कि आपको सही सही इन्फॉर्मेशन भरनी है, कोई भी परिवर्तन आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो ध्यान रखें, अपनी हर चीज़ हर एक डॉक्यूमेंट सही लगाएं। और एक बात का ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, आपके जो मोबाइल नंबर है और ईमेल एड्रेस है आपका, वो चालू होना चाहिए, यानी कि आपके फ़ोन में लॉगिन होना चाहिए, और वही आपको फ़ोन नंबर देना है जो आपका इस टाइम पर चल रहा है, ठीक है। चाहे आप अपने फादर का दे सकते हैं, चाहे अगर आपके पास में है तो आप अपना भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो चालू होना चाहिए, बंद नहीं होना चाहिए। क्योंकि जब आप फॉर्म भरेंगे तो कोई भी इन्फॉर्मेशन आएगी वो आपके ईमेल एड्रेस पर ही आती है। आपका जब फॉर्म कंफर्म हो जाएगा और आप अप्लाई कर चुके होंगे तो उसके बाद में आपको यहाँ पर नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा और आपकी आईडी पासवर्ड आप बंद करके आपके पास आ जाएगी। तो हर चीज़ सेव कर लीजिएगा, अपनी आईडी पासवर्ड ईमेल एड्रेस वही यूज़ करें जो आपका चालू हो, और आपका फ़ोन नंबर भी चालू होना चाहिए, ठीक है। ईमेल एड्रेस वो कभी भी मत देना जो बंद हो गया है, क्योंकि ईमेल एड्रेस का आगे चल के भी आपको बहुत सी चीज़ें यहाँ पर काम आने वाली हैं। तो अभी के लिए इतना ही फ्रेंड्स, तो जल्दी से जाइए अपना फॉर्म अप्लाई कर दीजिए, समय बहुत ही कम है। तो ये वाला वीडियो देख लीजिए आपकी लास्ट डेट कब तक की है। तो अभी के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।